हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे डीपी लीट कोड के क्वेश्चन नंबर 1361 से। सो क्वेश्चन का नाम है वैलिडेट बाइनरी ट्री नोड्स। सो क्वेश्चन देखते हैं कि यू हैव एन बाइनरी नोड्स, एन बाइनरी नोड्स नंबर फ्रॉम 0 to n-1, वेयर नोड आई हैज टू चिल्ड्रन, लेफ्ट चाइल्ड आई एंड राइट चाइल्ड आई। सो व्हाट वी हैव गिवन कि हमारे पास एन बाइनरी नोड्स हैं जिनका जो स्टार्ट होते हैं 0 से n-1 तक, और हमें एक और इन्फॉर्मेशन दी है उनके चाइल्ड के बारे में कि हमें दो एरे दिए हैं, लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड। तो यहाँ लेफ्ट चाइल्ड स्टोर कर रहा है कि जैसे हमारे पास आइथ नोड है, तो लेफ्ट चाइल्ड ऑफ आई नोट कर रहा है कि इस आइथ नोड का लेफ्ट चिल्ड्रन कौन सा है, और राइट चाइल्ड ऑफ आई नोट कर रहा है कि इस आइथ नोड का राइट चिल्ड्रन कौन सा है। ठीक है, अब हमें रिटर्न ट्रू करना है इफ ओनली इफ द गिवन नोड्स फॉर्म एग्जैक्टली वन वैलिड बाइनरी ट्री। मींस अगर जो नोड की इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है, लेफ्ट चिल्ड्रन और राइट चिल्ड्रन और 0 से n-1, हमें बताना है क्या ये सब मिलके एक वैलिड बाइनरी ट्री बना सकते हैं कि नहीं। तो इफ नोड आई हैज नो लेफ्ट चाइल्ड, देन लेफ्ट चाइल्ड ऑफ आई विल बी इक्वल टू -1, सिमिलरली फॉर राइट चाइल्ड। सो लेट्स से अगर किसी आइथ नोड का कोई लेफ्ट चिल्ड्रन नहीं है, तो उसको हम -1 से डिनोट कर रहे हैं एरे में। ठीक है, सिमिलरली फॉर राइट चाइल्ड। जैसे अब हम एग्जाम्पल से देखते हैं, तो एग्जाम्पल में जैसे हमें इंफॉर्मेशन दी है कि हमारे पास n=4 नोड्स हैं। तो n=4 मीन्स 0 से n-1, मतलब 0 से 3, तीन नोड्स हैं जिनका वैल्यू है 0 से 3। सो अब इसकी इंफॉर्मेशन हमें ऐसे दी हुई है कि जो 0 वाला नोड है उसका लेफ्ट चिल्ड्रन 1 है और राइट चिल्ड्रन 2 है, सिमिलरली फॉर अदर नोड्स। सो हमें बताना है कि ये इंफॉर्मेशन जो हमें दी हुई है क्या एक वैलिड बाइनरी बनाती है या नहीं। तो फिर हम देख सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एक वैलिड बाइनरी होता क्या है। तो एक वैलिड बाइनरी होता है कि एवरी बाइनरी मस्ट हैव अ रूट। तो जो बाइनरी ट्री होता है उसमें एक रूट होना जरूरी होता है। रूट नोड वो नोड होता है जिससे हम ट्रैवर्स करना स्टार्ट करते हैं। कोई भी बाइनरी अगर वैलिड है तो उसमें एक रूट नोड जरूर होना चाहिए। ठीक है, अब एवरी नोड अदर देन रूट मस्ट हैव एग्जैक्टली वन पेरेंट। तो जैसे रूट तो जहाँ से हम स्टार्ट होते हैं तो उसका तो कोई पेरेंट नहीं होता है, लेकिन जो उसके अलावा जो नोड्स होते हैं उन सबका एक पेरेंट एग्जैक्टली वन पेरेंट होना चाहिए। जैसे इस नोड का पेरेंट है ये और इसका भी पेरेंट है ये, तो जितने भी नोड है रूट नोड के अलावा सबका एग्जैक्टली वन पेरेंट होना चाहिए। ठीक है, दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन है कि ट्री ट्री मस्ट बी कनेक्टेड, मींस एवरी नोड मस्ट बी रीचेबल फ्रॉम रूट। तो कनेक्टेड का मतलब क्या है कि हम रूट नोड से स्टार्ट करें तो हम हर किसी नोड पे जाने का हमारे पास पाथ हो, ऐसा ना हो कि ये हमारे रूट नोड है और यहाँ पे कोई दूसरा नोड स्टार्ट हो रहा है, तो हम इस वाले रूट नोड से हम यहाँ जो कनेक्टेड कंपोनेंट है वहां तो नहीं पहुंच सकते, तो एक वैलिड बाइनरी नहीं है। तो हमें क्या चाहिए कि जो बाइनरी वैलिड कब होगा, जब सारे जो नोड है वो कनेक्टेड हो। ठीक है, ये थर्ड कंडीशन हो गई। फोर्थ कंडीशन है कि देयर कैन नॉट बी साइकिल इन बाइनरी ट्री। सो बाइनरी में एक साइकिल नहीं हो सकती है, जैसे कि हम यहाँ से जा रहे हैं यहाँ पहुंच गए, फिर यहाँ से यहाँ पहुँच गए, फिर यहाँ से वापस यहाँ पहुँच गए, तो ऐसा नहीं होता है बाइनरी ट्री में। ठीक है, तो ये चार कंडीशन हमें ध्यान में रखना है इसको सॉल्व करने के लिए, बाइनरी ट्री वैलिड है कि नहीं। ठीक है, उसके फिर बाद हम स्टेप देखते हैं। तो इस प्रॉब्लम को अप्रोच करने के स्टेप क्या होंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कि बाइनरी ट्री में एक रूट नोड होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें रूट को फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम रूट फाइंड रूट फंक्शन चलाएंगे, और अगर हमें और फाइंड रूट फंक्शन कैसे चलेगा, देखो हमारे पास क्या है, लेफ्ट चिल्ड्रन दिए हुए हैं, लेफ्ट चाइल्ड का एरे दिया है और राइट चाइल्ड का एरे दिया है।
ठीक है, तो रूट नोड क्या होता है? रूट नोड वो होता है जो मतलब जो किसी का चिल्ड्रन नहीं होता है, वही रूट नोड होता है। क्योंकि देखो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ यहाँ जाता है, तो ये यहाँ पे रूट नोड है, तो ये किसी का भी चिल्ड्रन नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर ये रूट नोड है तो ये ना तो लेफ्ट चाइल्ड में रिप्रेजेंट होना चाहिए ना फिर राइट चाइल्ड में, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमें ऐसा नोड फाइंड करना है जो ना लेफ्ट चाइल्ड में प्रेजेंट हो ना राइट राइट चाइल्ड में, भाई हमारा रूट नोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हम कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, चेक फॉर इफ एनी नोड विजिट मल्टीपल टाइम देन देयर मस्ट बी अ साइकिल। अगर कोई नोड मल्टीपल टाइम विजिट होता है तो इसका मतलब वहाँ पे साइकिल है। इसका मतलब क्या है, देखो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, हम इस पे गए, फिर इसके बाद हमने इसको और ज़्यादा इसके चिल्ड्रन पे गए, इस वाले के, फिर इसका ये इससे कनेक्टेड है मान लो वापस। तो हम इसको तो पहले ही ट्रैवर्स कर चुके थे, अब हम इससे दोबारा इस पे जा रहे हैं, तो इसका मतलब हम इस नोड को दो बार ट्रैवर्स कर रहे हैं। इसका मतलब अगर हम किसी नोड को दो बार ट्रैवर्स कर रहे हैं तो उसमें साइकिल प्रेजेंट होती है। इसका मतलब ये साफ समझ में आ रहा है हमें देखने से, ठीक है। इसके बाद फिनिश द ट्रैवर्सल मीन्स लेंथ ऑफ सीन। तो हम एक सीन करके एक सेट या फिर मैप डिफाइन कर सकते हैं जिसमें हम ये इंफॉर्मेशन रखेंगे कि हमने कौन कौन से नोड अभी तक ट्रैवर्स कर लिया। जैसे ये मान लो 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो जैसे हमने 1 को ट्रैवर्स कर लिया है तो हम इसको सीन में डाल देंगे कि हमने ट्रैवर्स कर लिया है। 2 को ट्रैवर्स कर लिया तो इसको हम सीन में डाल देंगे। 3 को ट्रैवर्स कर लिया तो इसको हम सीन में डाल देंगे, ठीक है। तो अगर हमारी लेंथ ऑफ सीन इज इक्वल टू एन है तो हमने ट्रैवर्सल को फिनिश कर लिया है, मतलब जो सीन की लेंथ है इक्वल टू एन है, तो मतलब हमने सारे नोड ट्रैवर्स कर लिए हैं। और अगर सीन की लेंथ जब हमने सारा सारा कुछ प्रोसेस कर लिया है उसके बाद भी जो हमारी सीन का साइज है वो एन के इक्वल नहीं है, मीन्स वी आर नॉट एबल टू विजिट एवरी नोड एंड देयर इज डिसकनेक्शन। मान लो कि हमने इस रूट यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ गए 1 2 3, मान लो फोर्थ नोड यहाँ पे था, ठीक है। अब इस वाले रूट से हम इस वाले फोर्थ नोड पे तो नहीं पहुँच सकते, तो सीन की लेंथ तो हमारी कितनी 3 रह जाएगी, और जबकि हमारी एन की लेंथ कितनी है, 4, 1 2 3 4 4 है हमारी एन की लेंथ। तो हम कभी भी जो हमारी सीन की लेंथ होगी वो कभी भी एन के इक्वल नहीं होगी। इसका मतलब कि हम रूट नोड से हम सारे नोड तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, मतलब इसका मतलब डिस्कनेक्शन है। तो ये वाली कंडीशन अगर इनवैलिड है, डिस्कनेक्शन नहीं होना चाहिए, वो हम पहले देख चुके हैं कि एक वैलिड बाइनरी ट्री में कनेक्टेड नोड होने चाहिए सारे, ठीक है। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कनेक्शन सारे, कोई डिस्कनेक्शन तो नहीं है, ठीक है। और चौथी कंडीशन है कि हमें दो रूट के लिए भी चेक करना है, कि ऐसे तो नहीं कि बाइनरी में दो रूट हो, तो ऐसा भी तो हो सकता है। देखो हम कैसे मतलब हम कैसे फाइंड कर रहे थे कि रूट नोड कौन सा है, रूट नोड फाइंड करने के लिए हम ये देख रहे थे कि लेफ्ट चाइल्ड में प्रेजेंट नहीं है जो, और राइट चाइल्ड में प्रेजेंट नहीं है वो हमारा रूट नोड होगा। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि 0 से n-1 में ऐसे दो नोड हो जाए i और j, जो ना इसमें इसमें और इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो दो नोड रूट नोड हो जाएंगे। पर ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो अगर दो रूट हैं तब भी हमें ये मतलब समझना चाहिए कि वैलिड बाइनरी ट्री नहीं है। तो ये सारी कंडीशन हम चेक करेंगे अपने कोड में, ठीक है। तो अब हम इतना हम समझ में आ गया है, हम कोड की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे ये यहाँ से फंक्शन ये स्टार्ट होता है, वैलिडेट बाइनरी ट्री, सॉरी, सो वैलिडेट बाइनरी ट्री। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास एन दिया है, मतलब साइज ऑफ मतलब नोड नोड की काउंट दिए हुए हैं, लेफ्ट चाइल्ड दिया है, राइट चाइल्ड दिया है, ठीक है। तो हम एक फाइंड रूट फंक्शन चला रहे हैं जिससे हम रूट को फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमने एक सेट बनाया है और हमने चिल्ड्रन का एक सेट बनाया है, और हमने सारे जो लेफ्ट में जो मतलब लेफ्ट चाइल्ड में जो नोड प्रेजेंट थे और राइट चाइल्ड में जो नोड प्रेजेंट थे वो सारे हमने इस सेट में डाल दिए हैं, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि i इक्वल टू 0 से i
हमारे जैसे नोट का काउंट, अगर नोट अगर एन नंबर ऑफ नोट्स दिए हैं तो हमारे नोट कौन कौन से होंगे, 0 से n-1। तो हमें चेक करना है कि 0 से n-1 में ऐसे कौन सा नोट था जो इसमें प्रेजेंट नहीं था, वही हमारा क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो अगर हमें ऐसा कोई मिलता है जो प्रेजेंट नहीं था तो वो हमारा रूट हो जाएगा, हम उसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और अगर हमें कोई भी रूट नहीं मिलता है तो हम -1 को रिटर्न कर देंगे कि हमें कोई रूट नहीं मिला। और देखो जैसे हमें रूट -1 मिला, और जैसे अगर रूट नहीं है तो क्या बाइंड, मतलब वो जो ट्री हमें दी, इंफॉर्मेशन हमें दी है वो पक्का वैलिड नहीं है। तो जैसे हमें रूट इक्वल टू -1 मिला, हमने सीधे फॉल्स रिटर्न कर दिया, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर अब हम एक अनऑर्डर्ड सेट बना रहे हैं सीन करके, जो हम मैंने बताया था, जिसमें हम ये इंफॉर्मेशन रखेंगे कि हमने कौन कौन सा नोट ट्रैवर्स कर लिया है। जो भी नोट हमने ट्रैवर्स कर लिया है उसको हम सीन में डाल देंगे, ठीक है। एक क्यू बनाएंगे हम, यहाँ पे सिंपल BFS कर रहे हैं कि हम मतलब सिंपली जो हमारे पास इंफॉर्मेशन दी है हम उसको उससे ट्रैवर्स कर रहे हैं, और हम सारे नोट को ट्रैवर्स करके सीन में डाल रहे हैं, और फिर हम चेक कर रहे हैं कि वैलिडेट है कि नहीं। तो हमने एक क्यू बनाया जैसे हम BFS में करते हैं। उसके बाद हमने सीन में डाल दिया रूट रूट को, क्योंकि हम रूट को ट्रैवर्स कर चुके हैं, और क्यू में भी डाल दिया रूट को, ठीक है। अब हम जैसे BFS में करते हैं कि जब तक क्यू का साइज है हमारा, तब तक हमने नोट को निकाला और उसको पॉप किया, फिर उसके जो चिल्ड्रन है उनको डाला, नोट के जो लेफ्ट चाइल्ड है और राइट चाइल्ड है। अगर चिल्ड्रन -1 नहीं थे, मतलब -1 का मतलब यहाँ पे यही है कि अगर वो नल हुआ, नल हुआ तो फिर हम क्या ही डालेंगे उसको, तो वो तो खत्म है वहां पे। तो अगर वो चाइल्ड -1 नहीं है तब हमने उसको सीन में चेक किया, अगर सीन में वो पहले से प्रेजेंट था, ठीक है। अगर सीन में जो नोड हमारा अभी करंट आया है चाइल्ड, अगर वो सीन में पहले से प्रेजेंट था तो इसका मतलब कि यहाँ पे साइकिल है। जैसे हमने देखा कि अगर देखो मान लो यहाँ से कहाँ गए, यहाँ गए, उसके यहाँ से इसके पास गए, इसके पास गए, फिर यहाँ गए, फिर से इसके पास जा रहे हैं, तो देखो ये वाला नोड 2 बार आ रहा है, तो इसका मतलब साइकिल प्रेजेंट है। तो जब भी सीन में 2 बार चीज आ रही है तो साइकिल प्रेजेंट है, तो हम सीधे यहाँ से रिटर्न फॉल्स कर देंगे। नहीं तो हम क्यू में डाल देंगे चाइल्ड को, और सीन में भी चाइल्ड को डाल देंगे कि हमने ये वाला चाइल्ड भी हमने ट्रैवर्स कर लिया है। और लास्ट में जब ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा, सारे नोड ट्रैवर्स हो जाएंगे, तो हम ये भी चेक करेंगे क्या जो हमारा सीन का साइज है वो एन के बराबर है। ये चेक करने क्यों जरूरी है, क्योंकि मैं बताया था कि डिसकनेक्शन नहीं होना चाहिए एक वैलिड बाइनरी में। तो इसके लिए हमें ये चेक करना जरूरी है कि जो हमारे जो नोड के नंबर हमें दिए हुए हैं क्या वो सीन के साइज के इक्वल है। अगर मान लो ऐसा केस भी हो सकता है कि ये ऐसे हो, तो हम इस वाले से यहाँ तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो सीन का साइज हमेशा 2 ही रह जाएगा, और जबकि एन का साइज हमें 3 दिया है, तो ये इक्वल नहीं होगा। तो इसके लिए हमें लास्ट में ये रिटर्न करना, मतलब ये चेक करना भी जरूरी है कि जो सीन का साइज है वो हमारे जो नंबर दिए हैं नोट के उसके इक्वल है कि नहीं, ठीक है। तो हम लास्ट में चेक भी कर लेंगे। तो ये हमारा इतना कोड है, आई होप आपको समझ में आया होगा और इससे हेल्प मिली होगी। थैंक यू सो मच।